सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनिया, और आज का हमारा गिटार लेसन इज तुझे भुला दिया, मोहित चौहान जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी। तो कुछ टाइम पहले इसकी ना गिटार लेसन की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस लेजेंडरी गाने को हम फाइनली गिटार पर उतार लाएं। सो गाइस देखो, बहुत ही ज़्यादा ईजी गाना होने वाला है, क्योंकि सिर्फ चार कॉर्ड्स हमारी इस गाने में पूरी यूज़ होने वाली है, और ऑलरेडी कैपो लगाकर मैं इस गाने को आसान कर ही देता हूँ आप सभी बिगनर्स के लिए। सो प्लीज़ जस्ट डोंट वरी, आप इस गिटार वीडियो को देखो और ये आपको पूरा गाना प्ले करना आ जाएगा इस गाने की। अब देखो, एक खास बात मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इस गाने में जो बीट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बीट्स यूज़ हुई हैं, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल गाना सुना है, रियल गाना सुना है, तो उसमें तबले का म्यूज़िक और बाकी म्यूज़िक काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे गए हैं इस गाने के अंदर। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि इसमें ट्रांजिशंस वेरिएशंस बहुत अच्छी तरह से आप खेल सकते हो। तो जितना हो सके इस गाने को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सुरों में ऑलरेडी गाना अच्छा है, म्यूजिक में ऑलरेडी गाना अच्छा है, गिटार पर भी इसको अच्छा हाजम कर देंगे। सो गाइस दैट्स ऑल, अभी फिलहाल चलते हैं हमारे गिटार लेसन की तरफ। इंट्रो अपना इतना ही था और शुरू कर लेते हैं वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट into the video। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे गाने की कॉर्ड्स की तरफ, यानी इसमें कौन कौन सी कॉर्ड्स यूज हो रही हैं। हालांकि गाना हमारा बी माइनर के स्केल पे है, लेकिन इस गाने को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ताकि आपको बी माइनर की बार कॉर्ड से थोड़ा सा बचाव मिल जाए, तो उसके लिए कैपो को हम लगा देंगे सेकेंड फ्रेट पे। अब देखो, सेकेंड फ्रेट पे कैपो लगने से आपको दो ऑप्शंस मिल गए कि आप इसको ओरिजिनल पे भी प्ले कर सकते हो, आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो कैपो को एक स्टेप नीचे करके प्ले कर सकते हो। जैसे यहाँ से हमारा आएगा, नैना लगिया बारिशा, एक स्टेप नीचे, नैना लगिया बारिशा, और आपको अगर अब भी हाई लग रहा है तो एक और नीचे, नैना लगिया बारिशा। ओरिजिनल कहाँ हुआ? नैना लगिया। तो यानी आपके पास दो स्टेप्स की एक फ्रीडम है कि आप इनको यूज कर सकते हो। सो कैपो सेकंड पर लगने के बाद हमारी बचती है चार कॉर्ड्स इस पूरे गाने में, जो कि हमारी ए माइनर, ठीक है। ए माइनर के बाद हमारी सेकंड कॉर्ड चलेगी एफ मेजर, ठीक है। एफ मेजर के बाद हमारी थर्ड कॉर्ड आएगी जी मेजर, और हमारी जो लास्ट कॉर्ड है इस गाने में जो कि यूज हो रही है वो है सी मेजर। सो हमारी टोटल चार कॉर्ड्स इस गाने में हुई, ए माइनर, जी, एफ एंड सी। इन चारों कॉर्ड्स को यूज करके हम इस पूरे गाने को प्ले करेंगे। सी का यूज थोड़ा कम है, ए माइनर, जी और एफ में ज्यादातर गाने को निचोड़ देंगे हम, ठीक है। सो अभी फिलहाल शुरू कर लेते हैं हमारे गाना, और स्ट्रमिंग जो होगी इसकी मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, जहां जहां पे स्ट्रमिंग जिस जिस पार्ट पे चेंज होगी वहीं पे चेंज करना, बिकॉज अगर आप पूरे गाने में एक ही स्ट्रमिंग चलाओगे तो वैसे ही बोरिंग हो जाता है। तो मैं कभी भी एक स्ट्रमिंग को प्रेफर नहीं करता जल्दी से, मिक्स स्ट्रमिंग रखो गाने के मूड के हिसाब से। अब जैसे स्टार्टिंग में हमारा एकदम स्लो है, तो यहाँ पे हमें तेज स्ट्रमिंग करके क्या करना है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लो स्ट्रमिंग होगी और ऐसी आगे चलते चलते स्ट्रमिंग्स अलग होती रहेंगी। सो गाइज अब आ जाते हैं हमारे गाने की तरफ, तो उस पे नजर डाल लेते हैं। सो गाइज कमिंग टू द सॉन्ग पार्ट, अब देखो गाने के अंदर हमारा जो पहला पैटर्न चलेगा वो चलेगा ए माइनर, जी, एफ और जी। यूज कैसे होगा वो देखो, स्ट्रमिंग बहुत हल्की रहेगी इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कैसा है, नैना लगिया बारिशा तो सुख सुख सपने वे पिच गए, ठीक है। एकदम ऐसा हल्का हल्का चलेगा, यानी डाउन और यहाँ पे, यानी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डाउन ले रहा हूँ और फिर नीचे से एक पुल, फर्स्ट स्ट्रिंग को पुल लेके फिर वापस डाउन, फिर पुल, फिर डाउन, फिर पुल, ये चलता रहेगा। यानी इससे क्या होता है, जब आप एक डाउन लेके छोड़ते हो ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्ट्रमिंग लगती है। सो डाउन लेके अगर आप इसको नीचे से एक स्ट्रिंग को पुल कर दो तो हल्का सा फिल हो जाता है। जैसे काफ़ी बार होता है जब ड्रम्स में एक हल्का हल्का हैट पे मारते रहते हो ये वाली साउंड्स, तो उसी तरह से गिटार में जो है नीचे की स्ट्रिंग हल्का सा पुल देती रहती है, तो उसी चीज़ को मेंटेन करके रखेंगे यहाँ पे कैसे। ठीक है, यानी डाउन पुल डाउन पुल डाउन पुल डाउन पुल, मतलब मैं इसको पुल कह रहा हूँ लेकिन हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले हो रही है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे कैसे रहा ए माइनर जी एफ जी, यूज कैसे होगा, नैना लगिया बारिशा, एकदम दो वर्ड्स पे एकदम से चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज है थोड़ा सा, नैना लगिया बारिशा तो सुख सुख सपने वे पिच गए, सुखे सुखे सपने वाली लाइन जो है हमारी एफ और जी में कवर अप हुई, और उससे पहले वाली लाइन नैना लगिया बारिशा ये हमारी हुई ए माइनर और जी में कवर,
नेक्स्ट लाइन रिपीट। नैना लगिया परेशारो वे पलका दे कोने विच नींद मेरी। रिपीट। नैना लगिया परेशारो तो एक दिन चोट लगे दिल पे। नैना लगिया परेशारो तो बदला दिल दिला दे छा गए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पंजाबी लिरिक्स क्या आती है, रुत बिरहा दे बदला दे छा गए, ये हमारा रहता है। सो ए माइनर जी एफ और जी हमारे यूज होएगा और कुछ नहीं यूज होएगा यहाँ पे। हमारा ब्रेक क्या हुआ, देखो फर्स्ट लाइन जो हमारी हुई ना, नैना लगिया बारिश, ये ए माइनर और जी में डिवाइड होगी। कैसे? नैना लगिया बारिश, यानी बारिश हमारा जी पे है और उससे पहले हमारा ए माइनर है। और देन हमारी नेक्स्ट लाइन एफ जो लोअर पार्ट है, यानी नींद मेरी, चैन मेरी और दिल ते, ये जो हमारे लास्ट के दो वर्ड्स हैं, यानी कुल मिलाकर इन पर हमारी जी मेजर लगेगी वापस की, क्योंकि थोड़ा सा लो पार्ट आता है। सो ये हमारा चला, यानी ए माइनर जी एफ जी का पैटर्न हम यूज करेंगे स्टार्टिंग में। देन इसके बाद हमारा सॉन्ग आ जाता है, काली काली खाली रातों से, अगेन ए माइनर और जी, काली काली खाली ए माइनर रातों से, जी मेजर होने लगी, एफ मेजर दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। एकदम रिपीट। हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या रहा है, ए माइनर जी एफ और ए माइनर वापस, यानी ए माइनर जी हमारा पहले दो लाइंस में, मतलब पहली लाइन में दो वर्ड्स जो है हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन उसके बाद एफ और ए माइनर हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा। जैसे हमने ए माइनर जी एफ जी को यूज करा, ऐसी ए माइनर जी एफ ए माइनर को यूज करेंगे। सो हमारा कैसे रहा, खाली 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 रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। अब यार इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी ना, यहाँ पे हमारा जो ए माइनर जी एफ ए माइनर का पैटर्न है, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनर एफ सी और जी। इसको थोड़ा सा तरीके से करना है। कैसे? हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होना है मैं कॉर्ड्स पे। हर पल हर लम्हा हमारा ए माइनर पे कवर होएगा। हर पल हर लम्हा मैं कैसे, यहाँ पे स्लो नहीं रखनी, एकदम से क्विक स्ट्रमिंग है, मतलब चेंजिंग स्विचिंग है हमारी एम के बाद एकदम से एफ आएगा ऐसे। मैं कैसे सहता हूँ, यानी हर मैं कैसे एफ सहता सी हूँ पे जी, ये हमारा चलेगा। कैसे? हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। रिपीट। हर पल हर लम्हा मैं खुद से पर एफ, ये कहता रहता हूँ, ये कहता पे सी, रहता हूँ जी मेजर हमारा, यानी ए माइनर एफ सी जी बहुत ही स्पेसिफिक होगा लिरिक्स पर आएगा। इसको ऊपर नीचे मत करना। ए माइनर जी एफ जी, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। अब यहाँ पे स्ट्रमिंग देखो चेंज हो गई। यहाँ पे स्ट्रमिंग में क्या लाया, अब तक डाउन अप्स चल रहे थे, लेकिन तुझे बुला दिया हमारा कोरस पार्ट है तो उस पर स्ट्रमिंग आनी जरूरी थी ही। और यहाँ पे स्ट्रमिंग क्या आई, डाउन डाउन अप चेक, डाउन डाउन अप चेक, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप चेक, डाउन डाउन अप चेक, डाउन डाउन अप, यानी यहाँ पे आप चेक ले लो या म्यूट ले लो, वो आपकी चॉइस है। दोनों में साउंड कैसा करेगा, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने। ठीक है, ये होएगा हमारा एक जब चक के साथ चलेंगे, और जब म्यूट होएगा तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो,
तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो, मुझे रुला दिया। यानी यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस म्यूट रहेगी, बिकॉज हमारा जो गाना है ना काफ़ी सैड सॉन्ग है और इसमें अभी तबला वाला म्यूजिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस म्यूट रहेगी। चक आप चाहो तो डाल सकते हो चक का, लेकिन अभी नीड नहीं लग रहा मेरे को गाने में। सो हमारी स्ट्रमिंग क्या रही, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप, ये हमारी चलती है स्ट्रमिंग। तरीके से देखना थोड़ा सा, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने। कॉर्ड्स को इग्नोर करो, अभी कॉर्ड्स में सिर्फ मजे के लिए दे रहा हूँ, मैं अभी स्ट्रमिंग दिखा रहा हूँ मेन, वो जो हमारी चल रही है, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन डाउन अप। चक भी ले सकते हो, म्यूट भी ले सकते हो, अपनी चॉइस है। तो हमारा कोरस पैटर्न क्या रहा, ए माइनर जी एफ जी, प्ले करके दिखाता हूँ कैसे। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। ये हमारा चलता है कोरस पार्ट। तो यार इसके बाद हमारा स्टैंजा पार्ट आएगा, उसको भी देखेंगे, लेकिन अब तक का गाना हमारा जो है ज्यादातर ए माइनर जी एफ जी, ए माइनर जी एफ सी, इनको यूज होके हमारा कवर अप हो गया। अभी फिलहाल हमारा आगे का स्टैंजा देख लेते हैं, तो उस पर नजर डाल लेते हैं अब। सो गाइस, अब जो हमारा स्टैंजा पार्ट आता है ना, बेसिकली स्टैंजा नहीं, एक ब्रिज पार्ट है हमारे इस गाने में, जो कि हमारे कोरस के बाद जैसे यहाँ पे एंड हुआ, तुझे भुला दिया। अब इसके बाद हमारा एक ये पार्ट आएगा जो कि हमारा होएगा ए माइनर सी और जी पर। कैसे, मतलब ए माइनर सी जी हमारी दो बार यूज होगी, उसके बाद जी ए माइनर, जी ए माइनर, जी ए माइनर और एफ ए माइनर पे हमारा एंड अप हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। हमारी ए माइनर सी जी पहले चलेगी, तेरी यादों में लिखे जो। अब हमारा स्ट्रमिंग के साथ कैसे होएगा, तेरी यादों में लिखे जो लफ्ज देते हैं सुनाई, बीत लम्हे पूछते हैं क्यों हुए ऐसे जुदा, खुदा खुदा तेरा ही एहसास। मतलब हमारी जो आगे लिरिक्स आती हैं, लेकिन पहले कॉर्ड ब्रेक समझते हैं। ए माइनर सी जी हमारा कैसे यूज हुआ, तेरी यादों में लिखे जो लफ्ज, लफ्ज पर हमारा आएगा सी मेजर, लफ्ज देते सुनाई, सुनाई पर हमारा जी मेजर और उससे पहले सी मेजर लफ्ज पर, और पूरी लाइन हमारी ए माइनर चली रही होती है। नेक्स्ट लाइन सेम फॉलो अप लेगी ए माइनर सी जी का, कैसे, बीत लम्हे पूछते हैं क्यों, क्यों पर सी मेजर, क्यों हुए ऐसे जुदा खुदा। अभी हमारा जो खुदा वाला वर्ड है ना, ये हमारा ट्रांजिशन पार्ट है, जी मेजर से जी मेजर पे ही वापस ट्रांजिट करना है, हमें ट्रांजिशन करना है। लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना होगा कि यहाँ पे पता लगे कि एक ट्रांजिशन है और गाना चेंज हुआ हल्का सा, मतलब एक फील नहीं होना चाहिए कि जी मेजर से वापस जी मेजर पे ही आ गए। कैसे, अब इसको थोड़ा सा हमें स्मूथली करना पड़ेगा। ए माइनर सी जी का पैटर्न हमारा दो बार यूज होना था वो यही था, और हमारी जो स्ट्रमिंग थी ना, जो पहले डाउन अप म्यूट थी, वो डाउन अप चक में बदल गई। अब यहाँ पर हमारा क्योंकि तबला म्यूजिक आ जाता है गाने में, सो यहाँ पे चक को इंट्रोड्यूस कर लेना। अब हमारा जो पार्ट है वो कैसे हुआ, पूछते हैं क्यों हुए ऐसे जुदा खुदा, खुदा तेरा ही एहसास। ये हमारा चला, यानी मैंने जी मेजर पे एकदम से ब्रेक देके वापस जी मेजर को उठाया। लिरिक्स कहाँ से, क्यों हुए ऐसे जुदा खुदा, ये जुदा खुदा, यानी डाउन 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 मैंने दिया, लेकिन डाउन 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 तीनों बार इंटेंसिटी अलग अलग रखी, जिससे वो एक अपने आप में ट्रांजिशन लगा और लगा ब्रेक 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 एंड वापस जी मेजर। तो ये चीज़ को हमें थोड़ा सा शो करना पड़ जाता है। और यहाँ पर अब क्या हुआ, जी मेजर और ए माइनर को यूज़ करना है। जब भी एफ वाले वर्ड्स, यानी फासले, फैसला, ये जो हमारे लास्ट वाले वर्ड्स हैं, इन पे ए माइनर आएगी और उससे पहले जी मेजर। कैसे, खुदा मेला जो ये फासला है, खुदा तेरा ही ये फैसला है, खुदा होना था जो हो गया, हो गया पर ए माइनर उससे पहले जी मेजर, खुदा होना था जो हो गया,
जो तूने, F major, जो तूने था लिखा, लिखा पर A minor, उससे पहले F major, पूरा कैसे हुआ? खुदा मिला जो ये फासला है, खुदा तेरा ही ये फैसला है, खुदा होना था जो हो गया, जो तूने था लिखा। खाली 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 रातों से वापस A minor, G, F, A minor, होने लगी है दोस्ती। वापस डाउन एंड पुल की स्ट्रमिंग, और स्ट्रमिंग एकदम से ग्रेजुअल चेंज है बिकॉज गाने की भी लिरिक्स वापस वही आ गई जहाँ पे गाना शुरू हुआ था। सो खोया खोया इन रातों में हमारा सारा वो चलेगा जो हमने स्टार्टिंग में सीखा। देन इसके बाद यार हमारा स्टैंजा टू आता है तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस स्टैंजा टू से पहले ना हमारा वही सारा रिपीट हो जाता है, नैना लगियां बारिशां, तुझे बुला दिया, और ये खाली 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 रातों से, ये सारा हमारा रिपीट होएगा। काली खाली रातों से, तुझे बुला दिया, दिन नैना लगे बारिशां, ये सारा वो रिपीट होएगा जो हमारा पहले हुआ था गाने में। गाने की लेंथ बेसिकली इसीलिए ही बढ़ी हुई है क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, यानी गाने का हमारा जो फर्स्ट हाफ नहीं मतलब एक जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था वो हमारा फिर से रिपीट होता है पूरे गाने के अंदर, तो इसलिए गाना थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसलिए गिटार लेसन भी लंबा हो रहा है जैसा मैंने कहा था। सो अभी फिलहाल जो हमारा स्टैंजा टू है ये यूज़ करेगा बहुत ही सिंपल कॉर्ड्स को, यानी सिंगल सिंगल कॉर्ड्स को यूज़ करेगा, लेकिन एक तरीके से यूज करना है क्योंकि यहाँ पे स्केल थोड़ा सा हाई है। कैसे? तो पल तुझसे जुड़ा था, ऐसे फिर रास्ता मुड़ा था। स्लो स्ट्रमिंग चलनी है क्योंकि हमारा गाने का यहाँ पे पार्ट स्लो है काफी। सो ए माइनर की पहली लाइन, देन एफ मेजर यूज हुई। कैसे? तो पल तुझसे जुड़ा था, पूरी ए माइनर, ऐसे फिर मुड़ा था। रस्ता के ता वाले पद पे हमारा जो वर्ड पे हमारा एफ मेजर आएगा और उससे पहले ए माइनर, ऐसे फिर रस्ता मुड़ा था, तुझसे मैं खोने लगा, जुदा जैसे होने लगा, ये सारा जी मेजर, मुझ में कुछ तेरा। देन इसके बाद हमारा पूरा जी मेजर चलेगा। कैसे? अब यहाँ पर देखो एक चीज करनी है हमें, जो हमारा आएगा ना, तुझसे मैं खोने लगा, जुदा जैसे होने लगा, मुझसे कुछ मेरा, ये जो हमारा पैटर्न है यहाँ तक एकदम स्लो है, लेकिन इसके बाद जो एकदम आएगा, तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, ये वाला पार्ट हमारा एकदम से पूरे म्यूजिक के साथ आता है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एकदम से ले जाएंगे तो शायद बेकार लगे, तो यहाँ पे हम इसको बिल्डअप करने हैं। ठीक है, तो हम जी मेजर को हल्का हल्का अपबीट करते रहेंगे ताकि एकदम से जब हमारा स्ट्राइक करे तो बहुत ज्यादा अल्टीमेट एकदम एनर्जी आपको लगे उसमें। तो ये कैसे होएगा पूरा मैं प्ले करके दिखाता हूँ लिरिक्स के साथ। तुझसे जुड़ा था, ऐसे फिर रास्ता मुड़ा था, तुझसे मैं खोने लगा, जुदा जैसे होने लगा, मुझसे कुछ मेरा, तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से कर दे जुदा, तेरा हो क्या तेरा जो मैं ना रहा, मैं खुद से कहता तुझे बुला दिया वो। ये जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना, दो तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, ये ए माइनर और जी यूज करेगा सिर्फ। कैसे? तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, डाउन अप चक की स्ट्रमिंग चलनी है यहाँ पे और कुछ नहीं चलना, डाउन डाउन अप चक, डाउन 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 अप चक, डाउन। तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से कर दे जुदा, तेरा हो क्या तेरा जो मैं ना, मैं खुद से कहता हूँ। बहुत ज़्यादा हाई है यार। यहाँ पे हमारा ए माइनर और जी चलता गया, उससे पहले भी ए माइनर जी चलता गया, और उससे पहले हमारा वो था जहाँ पे हमने जी को बिल्डअप करा। सो जी मेजर यूज होते होते लास्ट में ए माइनर को डाल के तू ही मेरे लिए अब कर दुआ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द सॉन्ग टुडे। गाना का हमारा गिटार लेसन काफ़ी लंबा हो गया, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारा जो गाने का फर्स्ट पोर्शन है जैसा मैंने बताया वो इस गाने में रिपीट होता है, तो इसलिए इस गाने की लेंथ बढ़ जाती है। हालांकि मैंने उसको कवर अप नहीं करा, लेकिन इस गाने में कॉर्ड बाय कॉर्ड, वर्ड बाय वर्ड, स्ट्रमिंग बाय स्ट्रमिंग बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप अगर इस गाने में कहीं भी एक पार्ट को मिस कर देते हो ना तो इस गाने का काफ़ी कुछ मिस हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि इसको जितना परफेक्ट कर सको, मतलब क्विक प्रैक्टिस के बाद इस गाने को शुरू मत करना जब तक आप इस गाने से एकदम कड़े हुए ना हो ना,
तो मतलब एक मेरी ये सजेशन रहेगी कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो तभी इसको कहीं परफॉर्म करना, वरना ये गाना इतना पावरफुल नहीं लगेगा आप जब इसको प्ले करोगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड दैट वॉज जस्ट अ स्मॉल सजेशन मेरी तरफ से आपके लिए, पसंद आए तो ले लेना वरना अप टू यू। मेरे लिए बस ये वीडियो बनाना काफ़ी था और आप तक पहुँचाना ही मेरा मेन मकसद था। अब आपका है कि आप इसको सीखो और कहीं पर पोस्ट करो, तो प्लीज़ मेरे को टैग ज़रूर करना ताकि मेरे को पता रहे कि आपको ये हेल्पफुल लगी और आपको इससे मदद मिली। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल पर सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द देखने को मिलती रहे। सो अभी फिलहाल चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के शूट पे, टिल देन बाय बाय।